लुटा रखा है तूने सब कुछ अपना लक्ष्य को पाने को, आ गया है समय शिखर पे रंग जमाने को। संभव असंभव कुछ नहीं है, यह तो सिर्फ आडंबर है, जो असली शक्ति है वो आपके अंदर है। इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है, ओनली फॉर वो अपने माइंड से एक्टिव होना चाहिए, अपने माइंड से कभी विकलांग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने माइंड से विकलांग होने की वजह से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। लोग हाथ से विकलांग होता है, कोई पेड़ से विकलांग होता है, लेकिन जो माइंड से विकलांग होता है वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता है। दोस्तों आज लेकर आया हूँ ऐसी ही माइंड से विकलांग नहीं होने वाली स्टोरी। तो चैनल पर सबसे पहले आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेमराज मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत और मैं हूं आपका दोस्त हेमराज। चलते हैं वीडियो में। स्टोरी ऐसी जो दिल को छू जाए, स्टोरी ऐसी जो मन के भ्रम को दूर कर दे, लेकिन ये स्टोरी ऐसी नहीं, ये स्टोरी आपके दिल के अंदर आग लगा देगी। जो इंसान सोचता है मैं विकलांग हूँ, जो इंसान सोचता है मैं मन से विकलांग हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअल में इंसान मन से विकलांग होता है, पैर से हाथ से विकलांग होने वाला भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो अपने मन से विकलांग नहीं है। तो विकलांग नियत की कहानी के साथ में ये स्टोरी लेकर आया हूं। आपने इससे पहले भी सुना होगा लेकिन इसको रियलाइज नहीं किया होगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमको ये स्टोरी 10 बार सुनना जरूरी है, 20 बार सुनना जरूरी है। जो इंसान लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, लाइफ में बड़ा करना चाहता है, स्टोरी को सुनिए, 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, मोटिवेशन आता है, इंसान मोटिवेशन से आगे बढ़ता है। तो चलते हैं आगे। गर्ल्स की बात हुई है जो आप पहचानते होंगे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, 2011 की बात है, लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, उसी में बदमाश लोग आए, ट्रेन में छीना छपटी स्टार्ट की, चेन को छीनना स्टार्ट किया। गर्ल्स बोले मैं अपनी चेन नहीं दूंगी बिकॉज मैं भी चैंपियन हूं, मैं तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। सामना किया, कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग थे, रेलवे जो जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। वो एक ही चीज बोली, मैं चैंपियन हूं, मैं इतने आसानी से इन बदमाशों को अपनी चेन नहीं छीनने दूंगी। नहीं छीनने दी चेन, वो छीना छपटी स्टार्ट किया, बदमाश लोग बदमाश ही होते हैं, उठाया ट्रेन से और नीचे पटक दिया। सबसे बड़ी बात, दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी, टकराए, नीचे गिरे, पूरी तरीके से पैर कट चुका और बॉडी में मल्टीप्लाई फ्रैक्चर आ चुका। बॉडी में मल्टीप्लाई फ्रैक्चर आने के बावजूद पूरी नाइट उन 50 ट्रेनों का सफर तय हुआ, उनके ऊपर पूरी नाइट पैरों को कतरा चूहे ने। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे चूहे होते हैं, पैर को कुतरा। सुबह मॉर्निंग में कोई पर्सन पहुंचे बरेली हॉस्पिटल में, उनको एडमिट करवाया, लोगों ने घर वालों को इन्फॉर्म किया, पहुंचे और बहुत उनका ट्रीटमेंट चला। 4 मंथ तक एम्स के हॉस्पिटल में भर्ती रहे, 25 दिन बाद न्यूज में खबर आई कि अरुणिमा टिकट लेकर नहीं गई थी, अरुणिमा आत्महत्या करने गई थी। अगर आप चैंपियन हो, अगर आप अपने कुछ आपके आइडियल हो, किसी इंसान का आइडियल हो, आप कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, आप कुछ लोग पहचानते हैं, आप वो चैंपियन हो और लोग बोल रहे टिकट लेकर नहीं गए थे, आत्महत्या करने गए थे, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? यही गुजरा उनके ऊपर। जब वो गुजरा तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पूरी तरीके से माइंड डिमोटिवेट हो गया, लेकिन एक ही चीज सोचा कि लोगों को बोलते बोलते कितना भी एफर्ट करूं लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लोगों को करके बताना है, प्रूफ करके बताना है कि मैं कुछ हूं। प्रूफ करने के लिए उठे अपने बेड से और उसी बेड पर एम्स के हॉस्पिटल में बेड पर डिसाइड किया मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लेम करना है। सोचो अगर आप इसकी जगह होते तो क्या होता, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता, बहुत सारे लोग अगर इसकी जगह होते तो क्या करते, एक ही चीज सोचते बैसाखी के सहारा अपना जीवन व्यतीत कर लेते, लेकिन नहीं सोचा लोगों को प्रूफ जो करना था। बैसाखी के सहारे नहीं जीना है, बैसाखियों को अलविदा कहना है, ये माइंड में ठाना, मन के भ्रम को दूर किया और डिसाइड किया माउंट एवरेस्ट क्लेम करना है। लोगों को बताई अपनी सारी चीजें कि मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लेम करना है, लोग बोले पागल हो चुकी है, पहले ही मरते मरते वापस पहुंची, घर वालों ने मना कर दिया, नहीं कर सकते ऐसा काम बेटा, पहले ही तू मरते मरते बचे, 41-39 ट्रेनों गुजरने के बावजूद अगर तू जिंदा है हमारे लिए बहुत कुछ है। एक ही चीज बोले, नहीं अगर मैं 39 ट्रेनों के बावजूद भी नहीं मरी हूं तो भगवान ने मुझे कुछ करने के लिए यहाँ पे रखा है, इतिहास रचने के लिए रखा है, इतिहास रचने का टाइम आ चुका है। लोगों को बोला, विश्वास नहीं किया, घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि न्यूज में देखने के बावजूद उनके अंदर हौसला जग चुका था कि मेरे को कुछ करना है, लोगों को बताना है कि मैं एक्चुअल में सही थी,
लोगों ने मेरे साथ क्या किया और लोगों को पता नहीं, ओनली फॉर देख रहे हैं कि मैं टिकट लेकर नहीं गई थी, आत्महत्या करने गई थी, लेकिन ये नहीं सही है, मैं ये साबित कर दूंगी। पहुंचे अपने गुरु, और गुरु जो होता है सत्य सादगी होता है, विवेक गुरु जो उनके है, बिच्छेंद्री पाल गुरु के पास पहुंचे। गुरु को बोले मेरे को माउंट एवरेस्ट क्लेम करना है। गुरु ने एक ही चीज बोला, आपके अंतरात्मा को मैं पहले से जान चुकी हूं, आप आधा लक्ष्य तो हासिल कर चुके हो, आधा और करना बाकी, अरुणिमा उठ खड़ी हो, बस बोलना जरूरी नहीं है, बोलने से सब कुछ नहीं होगा, तेरे को करना पड़ेगा, लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए रेडी हो तो मैं तेरे साथ हूं। वो एक ही चीज बोले, मैं प्रूफ करने के लिए रेडी हूं, मेरा साथ देना जरूरी है। लक्ष्य तो हर कोई डिसाइड कर लेता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसमें लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जब उतना सारा अरेंजमेंट करना होता है, बहुत सारा अरेंजमेंट, 30 लाख 40 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट बात होती है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, फिर भी कहीं से अरेंजमेंट किया, गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया, कुछ लोगों ने अरेंजमेंट किया, गुरु ने साथ दिया, घर वालों ने सपोर्ट किया, और माउंट एवरेस्ट क्लेम करना स्टार्ट किया। 4 मंथ 25 दिन ही हुए थे, पैर का ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ था, पैर के अंदर घाव थे, खून निकलना कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, फिर भी रिस्क लिया, बिकॉज लक्ष्य को हासिल करना है, लोगों को बताना है, वर्ल्ड में फेमस होना है, इंडिया का नाम रोशन करना है, मैं अपना नाम रोशन करूंगी ही करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, पीछे नहीं हटना है, चढ़ना स्टार्ट किया। जब चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे, बहुत सारे लोगों का देखते हुए वो डिमोटिवेट हो रहे थे अपने आप में, ये लोग इतने स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं नहीं बढ़ रही हूं, मैं धीरे चल रही हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, ये नहीं सोचा मेरे एक पैर नहीं, ये सोचा मेरे को करना है, मैं नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा। लोगों के साथ चढ़ना स्टार्ट किया, उनके बराबरी की, जब चढ़ाई करते जहां चाह होती है वहां राह मिल नहीं जाती। चढ़ना स्टार्ट किया, लोगों को पता चला कि नहीं, अरुणिमा भी कुछ लक्ष्य को हासिल करना चाह रही है, और अरुणिमा के साथ में बहुत सारे लोग चढ़े थे, वो नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए। लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं है। फिर जो हुआ, चढ़ना स्टार्ट किया, धीरे 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 एक ऐसा माहौल आया, एक ऐसा समय आया जहां पे एक विदेशी उनके सामने धरा का धरा रह गया। नाइट के समय सबसे बड़ा झटका तब मिला जब शेरपा बोला कि अरुणिमा आपका ऑक्सीजन जो है खत्म होने वाला है, ऑक्सीजन खत्म होने की संभावना है। जब आपका लक्ष्य आपके पास में हो और कोई इंसान बोले कि आपको जो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है आप आ जाइए, आप लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हो और कोई इंसान पहुंचता है कि नहीं नहीं अभी आपका अंत हो चुका है, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, क्या बीतेगी। अरुणिमा को भी बोला गया कि नहीं यार ऑक्सीजन खत्म हो चुका है आपका, आ जाइए फिर लाइफ में ट्राई करेंगे, कभी मिले मौका मिलेगा। एक ही चीज बोले, लाइफ में एक ही बार ट्राई मौका मिलता है, एक ही बार लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, एक बार पूरा हो गया तो हो गया, बार बार मौका किसी को नहीं मिलता। इतना स्ट्रगल करने के बावजूद अगर मैं यहां तक पहुंची हूं, अभी अगर रिटर्न जाऊंगी तो फिर यहां आने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देन चढ़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। एक ऐसा भी माहौल, एक ऐसा भी समय था नाइट के समय, एक विदेशी धरा का धेरा रह गया उनके सामने, उनके रोंगटे खड़े हो गए जब मौत को उनके सामने देखा। लक्ष्य को हासिल करना था, चाहे कोई मरा हो या नहीं मरा उससे फर्क नहीं पड़ता। चढ़ना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन खत्म होता होने की संभावना पूरी तरीके से होता जा रहा था खत्म, और थोड़ा और समय आया, और ओनली फॉर 1.5 घंटे का सफर और तय करना था, और एक और बार आवाज लगाई कि अब नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक ही चीज बोले अरुणिमा कि नहीं, अगर मैं खत्म भी हो जाऊंगी तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अब यहां पर एक एक कदम लेकर मैं यहां तक पहुंची हूं, एक कदम बाद मेरा टॉप पर होगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को बोला है कि कदम जितने कदम एक एक कदम चुनकर अगर आप यहाँ पे आए हो, एक कदम और आगे उठाना अरुणिमा, देखना तो टॉप पे होगी। मैंने वही किया, उन्होंने वही किया, और एक कदम और उठाया, और आने वाले 1.5 घंटे बाद वो टॉप पे थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वहां पे पहुंच गए और फिर इंडिया का तिरंगा लहराया, नाम रोशन किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाने गए, अरुणिमा सिन्हा न्यूज में आ गई, खबर में आ गई कि विकलांग अरुणिमा सिन्हा विकलांग नहीं है, लक्ष्य को हासिल किया है, कोई टिकट वगैरह सारा उनका पॉजिटिव में आ चुका है। और सबसे बड़ा झटका शेरखा को तब लगा जब वो बोले कि भाई वीडियो भी बना ले, मरने की कंडीशन है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, फिर भी बोले वीडियो बना ले। वो बोले नहीं यार वीडियो नहीं बनाया, अभी जीवित रहेंगे तो फिर करेंगे, नहीं अगर मैं मर भी जाऊंगा मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे इंडिया के लोगों युद्ध के पास ये वीडियो मेरा चला जाएगा कि इंसान पेड़ से हाथ से विकलांग होता है, जो इंसान माइंड से विकलांग हो गया वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, माइंड से विकलांग कभी नहीं होना। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाया 15 सेकंड का, और
वहां का सारा माहौल बताया और आज वही मोटिवेशन हर इंसान को मोटिवेट करता है अपनी लाइफ में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आपने भी ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी। आज उनके नाम बहुत सारे अवार्ड है, बहुत सारे पुरस्कार, ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम जाना जाता है अरुणिमा सिन्हा। एक बार नहीं देखी हो स्टोरी तो सुन ली है आपने। अपने लक्ष्य को जताइए, अपने लक्ष्य को आगे अपने पर्दे के सामने रखिए और लक्ष्य को फोकस करने के बावजूद कितनी भी मुसीबतें आए पूरा करने के लिए जज्बा लगा दीजिए, हौसला लगा दीजिए। क्योंकि अगर वो एक पैर कटने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकते हैं तो हम जो छोटा मोटा लक्ष्य बनाते हैं वो जरूर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। थैंक यू सो मच माय वाचिंग, थैंक यू सो मच माय ऑल अवर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।